चॉकलेट से ऐसी चीज है कि हमारा मूड कैसा भी हो, चाहे हम सैड हो, हैप्पी हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, जैसे ही हम चॉकलेट खाते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं, सब अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं। इसके लिए चॉकलेट्स सबके ऑल टाइम फेवरेट होते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, चॉकलेट्स सबके मनपसंद होते हैं। तो पप्पा को कैसे हम छोड़ सकते हैं? तो हमने बनाए हैं आज पप्पा के लिए चॉकलेट फ्यूजन मोदक, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग तरह की स्टफिंग की हुई है। आप भी देखिए और बनाइए और मुझे बताइए कि ये आपको कैसे लगे। हेलो एंड वेलकम टू विजया भारतीज किचन फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ फ्रेंड्स। चॉकलेट मोदक बनाने के लिए हमें चॉकलेट्स की ज़रूरत होती है। ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, ये मिल्क कंपाउंड चॉकलेट है जो कि थोड़ा लाइट कलर का होता है। डार्क कंपाउंड जो होता है वो डार्क कलर का होता है और टेस्ट में थोड़ा बिटरी होता है। मिल्क कंपाउंड जो होता है वो थोड़ा लाइट होता है, कंपेयर टू डार्क वो स्वीट होता है। और ये वाइट कंपाउंड होता है जो वाइट कलर का होता है और ये बहुत ही डेलिकेट होता है। तो पहले हम वाइट कंपाउंड चॉकलेट में से चॉकलेट मोदक बनाते हैं, और पहले इसको हम मेल्ट करेंगे। ये ऐसे, ये एक बार 100 ग्राम्स का होता है, ऐसे ही ये फुल पैकेट में 4 बार्स होते हैं, मीन्स 400 ग्राम्स के होते हैं। ये चॉकलेट्स हमें फ्रिज में स्टोर नहीं करना होता है, कभी भी रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है। और पहले इसको हम कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, बट जो भी वेसल में हम कट करते हैं उसमें पानी का एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए और वो फुल वेसल ड्राई होना चाहिए। अब मैं इसको कट करूंगी और डबल बॉयलर मेथड से इसको मेल्ट करूंगी। जो वेसल में हम इसको मेल्ट करते हैं, तो जिसमें हमने नीचे ये पैन में पानी भरा है वो छोटा होना चाहिए, और जिसमें हम मेल्ट करते हैं वो उससे बड़ा होना चाहिए, और पानी चॉकलेट वाले वेसल वेसल को टच नहीं होना चाहिए। बस ये अभी इसके स्टीम पर गर्म होगा, और जितना हो सके हमें स्टिक यूज़ करना है इसको मेल्ट करने के लिए। ये धीरे धीरे मेल्ट होगा और हम इसको फिर मिक्स करेंगे। ये देखिए अब चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसको पूरा हम मेल्ट करेंगे। मैं अब गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि वाइट जो चॉकलेट होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है। और अब जो नीचे बर्तन में पानी गर्म हो गया है वो उसके हीट की वजह से और स्टीम की वजह से ये फुल मेल्ट हो गया है, आप देख सक रहे हैं। सिर्फ थोड़े ही अभी इसमें पीसेस हैं वो भी मेल्ट हो जाएंगे। अब देखिए चॉकलेट फुल मेल्ट हो गया है, इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। मैंने यहाँ पर सिलिकॉन मोल्ड लिया है, मोदक का सिलिकॉन मोल्ड, इसमें हम पोर करेंगे। ये ठंडा थोड़ा हो जाना है, ठंडा उतना करना है हमें जितना हम अपने फिंगर्स से टच कर सकें। अब ये थोड़ा कूल हो गया है, इसको हम फिंगर्स से टच कर सकते हैं। अब स्पून से हम ये चॉकलेट मोल्ड, जो मोल्ड है इसके अंदर हम पोर करेंगे फुल। अब ये सिलिकॉन मोल्ड लेके ये सब चॉकलेट जो इसमें था वो मैं इसमें वापस निकाल दूंगी। अब इसके साइड्स हम नाइफ से क्लीन कर देंगे।
और ये मोल्ड को फ्रिज में 5 to 10 मिनट्स के लिए रखेंगे सेट करने के लिए। अब इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा चॉकलेट है जिसको हम चारों तरफ से ऐसे घुमाएंगे तो थोड़ा ये थिक हो जाएगा, राउंड पूरा राउंड हम घुमाएंगे इसको। उसके बाद में हम इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब 10 मिनट्स हो गया है। अब हम क्योंकि फ्यूजन चॉकलेट मोदक बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर लिए हैं मोतीचूर लड्डू, सेव मिठाई जिसको सिंधी में सिंगर की मिठाई बोलते हैं, और ये बुगल मावा। ये सब होममेड है। इसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने ये काजू, बादाम, वाटरमेलन सीड्स, टूटी फ्रूटी और इलायची पाउडर और गुलकंद इसमें डालकर ये मिक्स करके रखा हुआ है। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून पान मसाला भी डाला हुआ है। तो ये पान का बन गया मिक्सचर। तो ये हम पान का मोदक बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा ये फिलिंग लेके इसके अंदर, मोदक के अंदर फिल करते हैं। अब मैं मोतीचूर लड्डू ले रही हूँ और इसको इसके अंदर स्टफ करती हूँ। दूसरे मोदक में मैं सेव मिठाई डाल रही हूँ। गणपति बप्पा को हम हमारे सिंधी स्वीट्स की के मोदक बनाकर, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल फ्यूजन मोदक बनाकर हम बप्पा जी को खिलाएंगे। अब बाकी के 3 जो बच गए हैं उनमें मैं ये बुगल मावा डाल रही हूँ। अब मैं व्हाइट चॉकलेट लेके और इन सबको सील कर देती हूँ। ऊपर से सबके ऊपर व्हाइट चॉकलेट डाल देती हूँ तो ये सील हो जाएंगे। अब ये क्योंकि थोड़ा हार्ड हो गया था तो वापस से मैं इसको थोड़ा, मैंने गर्म पानी के ऊपर रख दिया, ये फिर से मेल्ट हो गया। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब इसको मैं रखूंगी, इसके ऊपर डालूंगी, सील कर दूंगी सब चॉकलेट्स को। इसी तरह से सब चॉकलेट्स को मैं सील कर दूंगी। अब जो भी एक्स्ट्रा है इसको हमें निकाल देना है ऊपर से ऐसे। ये देखिए साइड्स मैंने क्लीन कर दिए हैं। अब मैं इसको 15 मिनट्स तक फ्रीज करने के लिए, फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अब 15 मिनट्स हो गए हैं। अब ये सेट हो गए हैं, इनको हम निकालते हैं। अब देखिए ये सिलिकॉन मोल्ड है तो इसको सिर्फ ऐसे ही हम करेंगे तो ये निकल के आ गए। और जो ये साइड से है वो हम इसका एक्स्ट्रा जो है वो कट कर देंगे। वाओ कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, अंदर ट्रांसपेरेंट भी वो दिख रहा है कि कुछ फिलिंग की हुई है। इसको अब हम प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए फ्यूजन व्हाइट चॉकलेट के मोदक रेडी हो गए और अब हम डार्क चॉकलेट के फ्यूजन मोदक बना रहे हैं। अब मैं कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट का स्टफिंग बना रही हूँ जिसमें मैंने 2 टीस्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है और उसमें मैं 2 टीस्पून काजू चॉप करके डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको मिक्स करके रखेंगे। अब ये रेडी हो गया है हमारा डेसिकेटेड कोकोनट का फिलिंग, इसको साइड में करके रख देंगे। और अभी हम राजभोग का फिलिंग बनाएंगे जिसके लिए मैं 2 टेबलस्पून 2 टीस्पून 2
टीस्पून मिल्क पाउडर ले रही हूं मैं, पिंच इलायची पाउडर, 8 to 10 केसर स्ट्रिंग्स डाले इसमें मैंने, और कुछ गुलाब के ड्राइड लीव्स, देन 2 teaspoons काजू, चॉप काजू, पिस्ता एंड आमंड्स, ये चॉप करके छोटे छोटे पीसेस इसमें हमें ऐड करना है। वन टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क इसमें ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से मैं अभी मिक्स कर दूंगी। अब ये हमारे दोनों स्टफिंग रेडी है, अब इनको हम साइड कर देते हैं। और 100 ग्राम्स का मैंने डार्क चॉकलेट लिया है जिसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ और फिर इसको डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करूंगी। अब हमने इसको भी मेल्ट करने के लिए रखा हुआ है। अब मैं पहले इसको व्हाइट चॉकलेट से ऐसे लाइंस डाल रही हूँ जो ये गार्निशिंग के जैसा काम में आ जाएगा। अभी इनमें मैं डार्क चॉकलेट डालूंगी। अब मैं ये सब इसमें से निकाल डालती हूं। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। अब इसको मैं 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। अब ये सेट हो गया है, अब हम इसमें स्टफ करेंगे। पहले हम जो डेसिकेटेड कोकोनट का स्टफिंग बनाया था वो हम इसके अंदर स्टफ करते हैं। अब बाकी के इसमें हम राजभोग डालेंगे। अब इनको हम डार्क चॉकलेट से सील कर देंगे और 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए। साइड में जो भी होगा वो हम निकाल देंगे। अब इसको हम रख देते हैं 20 मिनट्स के लिए, बाद में इसको क्लीन कर देंगे, अच्छी तरह से कट कर देंगे जो भी साइड में होगा। अब ये रेडी हो गए हैं, अब इनको हम निकालेंगे। ये देखिए साइड में जो भी एक्स्ट्रा है वो हम कटिंग कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। डबल शेड में देख रहे हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं डबल शेड में। ये देखिए रेडी हो गए हमारे चॉकलेट फ्यूजन मोदक।